मॉर्निंग गाइस, तो अभी हम पहुंच गया ले में। आपको ले दिखा सकता हूँ, ये इतना सा छोटू सा एक जगह है ले, बहुत छोटा है बट बहुत बड़ा है। आपको ऐसे कि कोई डेसर्ट में आया वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को। तो आपको मैं मनाली से कैसे आ गया वो सब फुटेज दिखाऊंगा, वो देख के आओ, तब तक बाकी बताएंगे। हैदराबाद से मैं कितना भी जगह गया, मनाली पहुंचने तक मेरे को ट्रैवलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं पता चला था। बहुत चीप एंड बहुत आसान भी था, तो मेरे को एकदम इजी फ्लो था। बट मनाली से आगे जाने के लिए बहुत डिफिकल्ट था। मनाली से और आगे किधर भी जाते, लेह से, सब जगह से बस सर्विस बहुत कम है। आपको भी बस नहीं मिला तो आप भी मनाली टैक्सी स्टैंड जाओ, उधर से लेह के लिए बस मिल जाएगा। और लेह बस स्टैंड का सीधा ऑपोजिट साइड में ही आपको पंजाबी ऐसा ढाबा मिल जाएगा। ये ढाबा का बगल में ही एक हॉस्टल है, उसका डिटेल्स और फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उधर आपको सस्ते में रूम मिल जाता है और डॉर्मेटरी भी है। ये आपको 50-60 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी किधर भी आपको मतलब ऊपर आने के बाद बहुत महंगा पड़ता है खाने में। और नहीं रखो मैं कौन सा हॉस्टल में रहा था उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाला है। उधर से मेरे को एक और सोलो ट्रैवल से मिला और उसका साथ अभी ये ले घूमने का प्लान था मेरा। और हम लोग कितना बार बस स्टैंड गया, टैक्सी का उधर गया और रंडल का पास गया, बहुत जगह गया, बट नथिंग वॉज एज पर आवर प्लान और आवर बजट का हिसाब से कुछ नहीं था। पैंगोंग लेक जाना था बट उधर के लिए बसेस वीकली वंस नहीं तो ट्वाइस है। सो दिस वीडियो इज लाइक इन्फॉर्मेशन फॉर यू, लाइक इट्स लाइक इफ यू आर कमिंग ले और लडाख टू विजिट, टेक यूर ओन व्हीकल, दैट इज बेस्ट। और एल्स इफ कैरी इनफ मनी, लाइक बजट थोड़ा बढ़ा दो और आप गाड़ी के लिए बजट लेके आओ। अदरवाइज लाइक मैं कैसे फंसा वैसे फंसूंगा आप लोग भी। और नहीं तो आप लोग पहले टाइम टेबल देखे, मतलब बस का टाइम टेबल देखे, उसका हिसाब से प्लान करो। बट दैट इज़ टू डिफिकल्ट बिकॉज बस सर्विस बहुत कम है। मिठाई तरी वाणले बढ़ते हम इधर से ले मार्केट से एक एप्पल लिया है 10 रुपये में। दो दिन पहले ये सब फ्री में हम फार्म में ऐसे उठा के खा रहा था, अभी हम पैसा लेके ले रहे हैं। ये आफ्टर वॉशिंग वी आर हैविंग दिस एप्पल। दिस इज डिफरेंट वेराइटी विच इज़ लाइक स्पॉन्ज काइंड ऑफ थिंग। But very sweet and yummy. लेह में वॉकेबल डिस्टेंस में कितना भी जगह जा सकते हो सब देख लिया, मतलब जाके एक दो टेम्पल्स देखा था और पूरा टाउन घूम लिया। उधर का थोड़ा टिबेटियन स्टाइल का मोमोज खाया एंड वॉज वेरी गुड। So for you guys, I will give all the contacts or whatever I have for renting bikes and all in the description. तो ले में घूम रहा था तब एक और ट्रैवलर को देखा इधर, तो he is in bicycle, he is also from Kerala and he is already been like more than 1 year journey start करके। So मेरा journey फिर से start कर रहा हूँ, इधर से श्रीनगर जा रहा हूँ, कारगिल थ्रू जा रहे हैं। अभी तक ऐसे जगह नहीं गया, मतलब श्रीनगर, ले, मनाली, ये सब जगह नहीं गया, तो आगे आने वाले सीन्स आप स्किप मत करो बिकॉज दैट्स वेरी ब्यूटीफुल रोड था, मेरे को बहुत पसंद आया था। सो एवरीवन विल बी सेइंग लाइक ग्रीनरी बल्क बहुत ब्यूटीफुल है, बट ग्रीनरी भी ब्यूटीफुल है, उसका भी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है ऐसे डेसर्टेड रीजन भी, बिकॉज मेरे को भी नहीं पता था ये इतना सुंदर होगा, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग लाइक ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, बट तब तक ये देखा गया नहीं तब तक पता गया नहीं ना।
लोग ये रास्ता एंजॉय मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए खुद का गाड़ी में, कार में, बाइसिकल्स में, बिकॉज उतना सुंदर है ये रास्ता और एक्सपीरियंस करने के लिए। और इसका बीच में ये वो ग्रेविटी का एक स्पॉट है इसमें, वो भी आपको देख सकते हैं ऑन द वे। बट इफ़ यू आर इन योर ओन व्हीकल यू कैन स्टॉप देयर एंड यू कैन लाइक सी लाइक कैसे है वो ग्रेविटी इधर काम करता है। इट्स लाइक व्हीकल विल मूव ऑटोमेटिकली, ऐसे आपको दूसरा वीडियो भी देखा होगा तो आपको पता चलेगा व्हाट आई मीन। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो गोइंग लाइक मी एंड इफ़ यू आर गोइंग इन बस, प्लीज़ आस्क द फ्रंट सीट इटसेल्फ, बिकॉज फ्रंट सीट में आपको 360 डिग्री का व्यू मिल जाएगा, आपको कौन सा भी सेट मिस नहीं हो जाता है। बिकॉज इट्स लाइक मतलब 4K 5K का टीवी में मतलब इतना बड़ा स्क्रीन में देखने में कितना मज़ा आता है, उसका ट्रिपल मतलब कितना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, बिकॉज उतना सुंदर होगा। यू ऑल्सो टेक एंड आस्क द कंडक्टर टू गिव फ्रंट सीट ओनली। आपको इस ट्रैवल में बहुत कम ग्रीनरी देख सकते हैं, ऐसे कि थोड़ा एक एक विलेज में जाने के समय थोड़ा ग्रीनरी देख सकते हैं, और कारगिल पहुंचने का समय थोड़ा ग्रीनरी देख सकते हैं, और एक जगह पे बस रुकेगा आपके लिए मतलब वॉशरूम और होटल, कुछ चाय मतलब स्नैक्स कुछ खाने के लिए रुकता है, उधर भी थोड़ा ग्रीनरी दिख जाता है। बाकी पूरे एक ही जैसा मतलब डेसर्टेड काइंड ऑफ फीलिंग, लैंडस्लाइड्स हो कुछ भी हो, इफ़ एनीथिंग इन द रोड इमीडिएट इफेक्ट में वो लोग क्लियर करता है, बिकॉज ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, फॉर मिलिट्री यूज़ करता है, सब लोग यूज़ करते हैं, इट्स अ बॉर्डर रोड, तो इट्स मतलब कैप्ट उतना क्लीन एंड सेफ रखता है। सो नाउ सम क्वेश्चन टू द व्यूअर्स, लाइक हाउ इज़ माई वीडियोज़ गोइंग ऑन, लाइक आर यू एन्जॉइंग द वीडियोज़, और आपको क्या लग रहा है वो सब आप मेरे को कमेंट्स में बताना चाहिए। एंड इन अपकमिंग वीडियोज़ विल बी लाइक मोर इंटरेस्टिंग इफ़ यू लाइक इफ़ यू से समथिंग और मेरे को मतलब आई कैन इम्प्रूव। This was a new thing for me also. Other than Indian citizens want to show their passport in this border checkpost. So मेरे को ये वीडियो में इतना ही बोलना है कि सब लोग लाइफ टाइम में एक बार तो इधर जाना ही है, और इस टेरेन, इस क्लाइमेट और इस जगह एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज आई कैन ओनली शो यू इन द वीडियो बट आई कैन एक्सप्रेस द फीलिंग वट आई हैड। सो गो एंड विजिट। Thank you. See you in next video. Bye-bye.